हम लोग फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं, चिड़िया और बन कमरे रहे के अंदर थे मेरी फेवरेट बन रही है चाय, और साथ दे रही हैं रूपाली जी। बिल्कुल। और हमने एक ऐप से मंगवा ली है कुछ चीजें जो घर पे तुरंत हमारे घर पहुंचने से पहले दे दिया यार। किटोमोटी, वाओ। हाँ जैसे हाँ आप भी हो घर पे, आप भी इजली मंगा ले सकते हो सही चीजें, बात है। उबर और इजी। गाइज, सर्दियों में मुझे इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है, पैरासूट ऑयल की। ये मैं बहुत यूज करता हूँ, और इससे क्या रहता है ना, मॉइस्चर बना रहता है बॉडी के ऊपर काफी देर तक। देख लो, ड्राइनेस नहीं आती है, तो काफी बहुत अच्छा हेल्दी लगता होता है। है चाय। तो चाट मसाला मैंने मंगवा लिया, थोड़ा सा फ्रूट वगैरह खाएंगे तो उसमें चाट मसाला छिड़केंगे, इसकी कमी थी मेरे घर में। और फ्रेश क्रीम मंगा लिया, क्योंकि आज बनने जा रहा है कुछ स्पेशल। शेफ रूपाली हमारे घर में आई है, जो बनाएंगी बेहतरीन सी शाही पनीर। तो शाही पनीर की रेसिपी देखने के लिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, क्योंकि तो नहीं बने रहे हैं ब्लॉग में। और एक दो स्टेप भैया गलत हो गया, आपके सब्सक्राइबर कह देंगे सब आता ये तो ट्रोल करने के लिए लोग तो बिल्कुल ऐसे देखते हैं गौर से। हाँ ये तो है। सही है। निकाल दो मिक्सर वगैरह। हे गाइस, वेलकम बैक टू किट्टो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप लोगों ने जैसा देखा अमेजन किट्टो जैसा यूट्यूब चैनल पे कि जिया शाश्वत आए थे, और दिल खोल के उन लोग का स्वागत हुआ। पहली बार हमारे नए घर पे आए, और हमारे पुराने बहुत ही परम मित्र हैं, और बहुत अच्छा लगा। जिया शाश्वत, नैन्सी जी आई, और उनके बेबी लड्डू आए, काफ़ी अच्छा लगा। और क्रियांश भी आया, तो मस्त एकदम बेहतरीन झमाझम वाला माहौल रहा। तो अब उसके बाद ये समय हो गया है रात के 11:30 बजे। अब 11:30 बजे समय हो गया है प्रेगनेंसी में, हालांकि किट्टो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई, और थैंक्स टू रूपाली जी। रूपाली जी की वजह से आज बहुत सपोर्ट मिला किट्टो को। रूपाली जी अगर ये वीडियो देख रही होंगी, उनको दिल से धन्यवाद ये वीडियो में। और सब्जी भी आज तो सब लोगों ने बहुत, पनीर की सब्जी जो उन्होंने बनाई थी एकदम बेहतरीन बनाई। पनीर थी रियल में बहुत एकदम होटल जैसा फील हो रहा था, बहुत टेस्टी। सब लोगों ने, मैं क्या करूं, मैं तो आप लोग सोचते हैं कि तुम तो सब कैसे ही करती रहती हो, लेकिन सबने खुद तारीफ किया, बहुत अच्छा था। तो गाइज, मैं किट्टो की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, और रेसिपी मैंने डाला है और अपने वाले में ही डाला है। तो अगर आप लोग ऐसे रहेंगे ना, बाई गॉड सच में। मैं इसको बोल रहा था कि रहन तो सुबह साफ कर लेंगे, तुम रेस्ट करो, कह रही नहीं यार अच्छा नहीं लगता है, गंदा किचन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो साफ सफाई करने की बहुत जरूरी है। मैं भी अपने इस तरह से जितना मेरे से हो रहा है, मैं सारे मैट वगैरह हटा दिए हैं मैंने, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा क्योंकि झाड़ू रात में नहीं लगाना चाहिए। तो बस चीजें हम लोग साफ कर देंगे, सुबह उठ के झाड़ू लगा दूंगा, ऊपर किचन पूरा साफ कर देते हैं, और सोच रहा हूँ इसको थोड़ा वाइपर से काच दूंगा। नहीं, मैं किचन साफ करके ही सोऊंगी। किचन साफ करके सोएंगे थोड़ा सा, मैं इसको बोल रहा हूँ तुम रेस्ट करो भी। नैन्सी दी भी यही समझा गई, ज्यादा मत वो बोल रही थी, जो ये महीना होता है वो बोल रही थी कि बहुत ज्यादा रेस्ट करना होता है। किसी की बात में कोई कहे कि अरे पोछा लगाओ, ये करो करो, कभी मत करना, क्योंकि हम समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उनको भी हाल में बेबी हुआ है ना, उनको भी और जिया को भी। तो अब सबकी बात किसकी किसकी सुनी, मुझे तो समझ में नहीं आता है। कोई कहता है खूब काम किया करो, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, मैं अपने हिसाब से करती हूँ। पता क्या दिक्कत क्या है ना, मैं कितना भी कर दूंगा इसको पसंद नहीं आएगा, बोले मुझे अपने हाथ का ही पसंद है। नहीं, मुझे ना दूध है ना। हाँ, दूध तो बहुत है। मैं दूध एक्स्ट्रा ला दिया था, क्योंकि मुझे पता था क्रियांश आ रहा है और नैन्सी जी का भी बेबी रहेगा, तो दूध की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मुझे मैं नहीं पता था कि उनको दीदी भी आएंगी, बस मुझे पता था वो, मुझे मतलब उनकी बेबी का तो मुझे याद ही नहीं आया बिल्कुल भी। सिर्फ मुझे क्रियांश होता है ना, कि जिया सासत के क्रियांश का ही था, नैन्सी जी के साथ भी एक बेबी है उसका मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था। तो इंटरव्यू मैंने दूध वगैरह ला दिया था, ये वाला ये आगे, हाँ इसको ढक दो,
कुछ है क्योंकि सुबह मुझे कचौड़ी का आटा मैंने रख दिया है। दो यार कपड़ा एक एक गंदा ही। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले से ज़्यादा, और मैं वॉशरूम के लिए तो मैं चलती हूँ, थोड़ा हाथ पैर धुलती हूँ, फिर कपड़े चेंज करूँगी, फिर मंदिर में दिया जलाऊँगी। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप अपने मंदिर का टूर कराइए टूर कराइए, तो ज़रूर कराएंगे, मंदिर का भी टूर कराएंगे, किचन का भी अच्छे से एक एक चीज़ करके दिखाएंगे और घर को भी दिखाएंगे। तो आप लोग हमारी इस बात से इतना ज़्यादा क्यों चिढ़ते हैं कि हम लोग मटर खाते हैं? सीजन जो रहेगा और सीजन जो चलेगा वही ना इंसान खाएगा पिएगा। बाकी देखिए सबका अपना अपना फेवरेट होता है, किसी के खाने का क्या तरीका होता है, किसी के खाने का क्या तरीका नहीं होता है। हम लोगों को मटर हर चीज़ में अच्छा लगता है इसलिए हम लोग मटर खाते हैं, नहीं अच्छा लगता तो नहीं खाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा चिकन पसंद होता है, बहुत सारे लोग होता है कि उन लोग को बाहर का खाना पसंद होता है, बहुत मतलब कि होता है ना, लोगों का अपने अपना पसंद होता है। तो इस पे आप लोग ये कमेंट मत किया कीजिए कि ये चीज़ नहीं अच्छा लगता, आप लोग यही खाते रहते हो तो अच्छा लगता है इसलिए खाते हैं। आप लोग को भी अच्छा लगे, आप लोग भी खाओ, आप लोग को कोई थोड़ी ना कुछ कहने जा रहा है। तो मैंने मटर छील करके रख लिया, बैठे बैठे वंदना दी से सासू माँ से बात कर रहे थे क्योंकि जेठानी जी चली गई हैं, तो ही बोल रही थी कैसे मन उन लग रहा है, हम के लग तो रहा है, थोड़ा बहुत नहीं लग रहा है, पर क्या करें, आदत तो थोड़ी थोड़ी करके डालनी ही पड़ेगी। तो चलते हैं, अब जो काम है काम कर लेते हैं, बिस्तर सही कर लेते हैं, पहले हम मंदिर में दिया जलाएंगे, फिर उसके बाद जो फिर खाने पीने की तैयारी करेंगे, क्या बनाते हैं क्या खाते हैं आप लोग देखिएगा, ठीक है। गाइस अब हम आ गए हैं किचन में, और जो भी सुबह का बर्तन वगैरह धुल दिए थे तो पानी निकलने के बाद ही सूखने के बाद ही इसमें रखते नहीं वरना खराब हो जाएगा। अरे हैंड वॉश कर लेते हैं थोड़ा सा, जो दिया जलाते हैं ना बत्ती वो जलाते हैं, और इतना सारा स्वीट है कौन खाएगा इतना सारा, कितना सजा सजा के इसमें रखा है। तो ये काजू कतली है जो कि ज़्यादा मीठा नहीं रहता है, तो मैं ये खा लेती हूँ, टेस्टी भी है। ये जिया लेकर आई थी, चलिए हम सब कुछ सही कर लेते हैं, बना लेते हैं, कुछ देखते हैं क्या बनाते हैं खाने में। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, सारा खाना पीना झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, आप लोगों ने देखा ही क्या क्या किए हैं। और वंदना दी का भी कॉल आया था कल, जब सासू भाई मैंने कॉल बात किया तो बोली कि सासू माँ और जेठानी जी चली गई तुम्हारे बच्चा होने से पहले ही। मैं बोली कोई अच्छा झूठ बोल रही हो, करें हाँ सच में चली गई सासू माँ, बोली कि फिर जब नज़दीक आएगा तब आ जाएंगे। हम बोले अच्छे ऐसे ऐसे कैसे बिना बताए चली गई, बोली थी हम जा रहे हैं फिर आ जाएंगे और बिना बताए चली गई। फिर जब क्या नाम है जिया जिया को जिया जब आई
तो उसी टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर कॉल कट गया। फिर जब मैं फोन की तो बोली कि अरे प्रैंक कर रहे थे तुम्हारे मम्मी है जो खाली जेठानी जी गई हैं। फिर आज इतना टाइम नहीं मिला कि फिर मैं देख सकूं कि उन लोग का ब्लॉग। फिर ब्लॉग जब देखे तो देखे उस खाली दीदी गई हैं, मतलब जेठानी जी गई हैं और नहीं गई हैं। तो ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, थक गए से उधर कंटिन्यू खड़े हुए। आप लोग देखे हम टाइम लैप्स लगाए क्या क्या किए क्या क्या नहीं किए। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह आप लोगों से।